मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 में संस्कृत विषय में हम चतुर्थ पाठ जमग्रस्व सिंह दंतास्य गणिष्यते इसका अध्ययन कर रहे थे। जमग्रस्व सिंह दंतास्य गणिष्यते का अर्थ अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ बताया था कि जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाट्य है, नाटक है, वह काव्य के रूप में लिखा गया है और कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास की सबसे अनुपम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में छंद अलंकार का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। जैसे कि कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बताया था, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास में अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जो श्लोक लिखा गया था, काव्य सु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम समुद्रा, अर्थात काव्यों में, नाट्य काव्य में सबसे सुंदर नाट्य काव्यसु नाट्यक रम्यम तत्र रम्यम, यानी कि काव्यों में नाटक सबसे सुंदर होते हैं और उसमें भी सबसे सुंदर जो नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने राजा दुष्यंत और उनकी जो पत्नी थी शकुंतला उनके बारे में बताया है, उनके पुत्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि यह जो नाटक लिया गया है यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही लिया गया है और अभिज्ञान शाकुंतलम का सातवां जो अंक है उस सातवें अंक से ये नाटक लिया गया है। जमग्रस्व सिंह दंतास्य गणिष्यते अरे सिंह मुख खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। इस नाटक में उस समय की बात है बताई गई है कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में इंद्र की तरफ से युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत गए थे इंद्रपुरी में। तब देवताओं ने दानवों को हरा करके विजय प्राप्त की थी और जब विजय प्राप्त करके जब दुष्यंत वापस इंद्रपुरी से अमरावती अर्थात अपने महल की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में वे एक तपस्वी मुनि मारीच जो मुनि ऋषि मुनि हैं उनके आश्रम में वो महर्षि मारीच के आश्रम में वो विश्राम करते हैं और वहाँ बालक शरदमन की शेर के बच्चों के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक छोटा बालक जिसका नाम शरदमन है वह शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। वह उस बच्चे की माँ से उस बच्चे को छुड़ा लाता है, खींच कर ले आता है तो तपस्विनी जो है वो उसे रोकती है। उसी का वर्णन इस पहले जो दृश्य में इसमें किया गया था, इस पहले दृश्य का आधा हिस्सा मैंने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, उसका आधा हिस्सा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। पिछला जो अंश हमने पढ़ा था, पहला जो भाग पढ़ा था उसमें बताया गया था कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है और कहा जाता है कि अपनी चंचलता मत करो, क्यों अपने स्वभाव के ऊपर आ रहे हो। तब राजा वहां काम लगा कर सोचता है कि यह जो है विनयशील की अनुचित भूमि है, यहाँ पर किसे और कौन रोका
जा रहा है, इसे रोका जा रहा है। ऐसा कहकर वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। तब आश्चर्य से वो देखते हैं कि किसी बालक को वास्तव में रोका जा रहा था, किसी बालक को वास्तव में रोका जा रहा था, और तपस्विनी जो थी वो उसका उसके पीछे दौड़ रही थी, और वह असाधारण बालक आगे आगे शेर के बच्चे को लेकर दौड़ रहा था। उसके बाद में नाटक में जो काव्य के बारे में बताया गया है कि जिसने अपनी माता का आधा ही दूध पिया है, उस शेर के बच्चे को उसकी गर्दन में बालों से पकड़कर खेलने के लिए खींचा जा रहा है, यानी कि जिसने माँ का आधा दूध पी लिया है और गर्दन के बालों को नष्ट किया गया है, खींचा गया है, शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींचा जा रहा है। यहाँ तक हमने पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वो किसी वजह से बंद हो गई थी, तो उसके आगे का हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है। तब तक प्रवेश थी, यहाँ से उसके आगे का हिस्सा शुरू हो रहा है। उसके बाद में जो अगला जो भाग है वो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। पहले जो पिछला जो अंश था उस अंश का बचा हुआ जो भाग है उस बचे हुए भाग का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद में जो दूसरा जो भाग है हमारा उसका हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से इस पाठ का सारा मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से वह राजा दुष्यंत उस सरदमन को अपना पुत्र मान लेते हैं, और उसकी माता का नाम भी शकुंतला था। इस प्रकार से वह उन्हीं के वंश का उन्हीं का जो है पुत्र था, इस बारे में पाठ बताया गया है। तो आगे चलते हैं, बचे हुए अंश के आगे वाला जो हिस्सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम सहर बालक। जब वह बालक शेर के बच्चे ऐसे शेर के बच्चे को उठा लाया था जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया था, और जिसने अपनी माता के गर्दन को खींचा गया था, और उस शेर के बच्चे को बलपूर्वक खेलने के लिए वह सर्वधर्म नामक जो बालक है वह उठा लाता है। इसके बाद में शुरू होता है, ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टं कर्मा तपस्विनी भ्याम सह बालक। उसके बाद प्रवेश करते हुए यथा निर्दिष्टं के ऊपर जो बताया गया है उस कार्य के आधार पर तपस्विनी भ्याम सह बालक, तपस्वियों के साथ में बालक, यानी कि प्रवेश करके ऊपर क्या बताया गया था, ऊपर यह बताया गया था कि वह बालक सर्वदमन जिसका नाम है वह शेर के बच्चे को उठा लाता है और तपस्विनी उनको रोकती है, तो यह उसके बारे में बताया गया है। तो तपस्विनियों के साथ में बालक का प्रवेश होता है। बालक बालक कहता है, जम्भ्रस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते। जम्भ्रस्व जम्भ्रस्व का अर्थ मैंने जब पाठ का जो शीर्षक मैंने आपको बताया था, तो जम्भ्रस्व का अर्थ होता है मुंह खोलना। जम्भ्रस्व का अर्थ क्या हो गया, जम्भ्रस्व का अर्थ हो गया मुंह खोलना, मुंह खोलना। जम्भ्रस्व सिंह, सिंह मतलब संबोधन चिन्ह है, तो शेर का संबोधन, सिंह का मतलब शेर होता है, तो अरे सिंह जम्भ्रस्व मुख खोलो दंतास्ते गणिष्यसि, ते मतलब तुम्हारे दंत दांतों को गणिष्यते गिनूंगा। हे शेर मुख खोलो तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा अर्थात प्रथम पहली तपस्विनी बोलती है, पहली जो तपस्विनी है वो कहती है, ऐ विनत किम नो अपत्य निर्विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोषि। ऐ विनकली इस प्रकार ऐ विनम्रता से ऐ पत्य निवेश स्नायु सत्वा अर्थात हमारी संतान के समान निर्दोष प्राणियों को किस प्रकार से तुम सता रहे हो। पहली जो तपस्विनी है वह कहती है कि ऐ विनत, ये तो बहुत ही विनम्र विनम्रता का आचरण है, ये तो बहुत ही विनयहीन है, जो हमारी संतान के समान निर्दोष प्राणियों के बच्चों को सताया जा रहा है। विप्रकृति मतलब सताना, सत्वानि सत्व
बच्चों को अपत्यानि संतति के समान संत खेद है वर्ण तेज तेज शरम है वर्ण यानी बढ़ रहा है तेज शरम है शरम का अर्थ होता है गुस्सा यानी कि क्रोध शरम का क्या हो जाएगा यहाँ पे शरम का अर्थ होता है क्रोध शरम का क्या हो गया क्रोध खेद है कि वर्ण दे यानी बढ़ रहा है तेज तुम्हारा सरभ्य सरभ्य का मतलब होता है क्रोध अर्थात तुम्हारा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है स्थानीय फलु इसी जनेन सर्वगमन की कृत नाम देयो असि खलु निश्चय ही वास्तव में ही इसी जनों के द्वारा इसी जनेन का इसी जनों के द्वारा इस स्थान पर सर्वगमन यह नाम बिल्कुल ही उचित उन्होंने लिखा है सर्वगमन का अर्थ होता है सबका दमन करने वाला सर्वदमन का क्या हो गया सर्व तो सबका दमन होता दमन करने वाला सबका दमन करने वाला सबका दमन करने वाला कह रहे हैं कि इस स्थान पर वास्तव में ऋषियों के द्वारा सर्वदमन जो नाम रखा है तुम्हारा वो नाम उचित ही है क्योंकि सब नाम के अनुरूप ही वह कार्य कर रहा है वह शेर के बच्चों को खींच कर लेके आ रहा है उनको दबा रहा है सब कहने के तैयार हो रहा है तो यह नाम तुम्हारा उचित ही रखा है किसने रखा है ऋषियों के द्वारा ऋषिजनों के द्वारा द्वितीय दूसरी तपस्विनी द्वितीय दूसरी तपस्विनी ऐसा खलु केशरिणी त्वाम लंघिष्यति ऐसा ऐसा मतलब यह खलु निश्चय केशरिणी सिंहनी केशरिणी का क्या हो गया सिंहनी या शेरनी केशरिणी का होता है शेरनी केशरिणी का होता है शेरनी निश्चय ही यह शेरनी त्वाम तुम्हारे ऊपर लंघी क्षति आक्रमण करेगी यदि तस्या पुत्रक न मुचामि यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो द्वितीय जो तपस्विनी है वो कह रही है ऐसा ऐसा मतलब यह है अब यहाँ पे ऐसा जो शब्द आया है वो स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या है केशरिणी केशरिणी का होता है शेरनी केशरिणी का अर्थ क्या होता है शेरनी त्वाम तुम्हारे ऊपर लंघिष्यति लंघिष्यति का मतलब होता है आक्रमण करना यदि तस्या तस्या मतलब उसके पुत्र का मेरे पुत्र को न मुंचति नहीं छोड़ते हो तो दूसरी जो तपस्विनी है वो कह रही है कि यह निश्चय ही शेरनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो बालक सहस्मितम अब बालक कहता है सहस्मितम यानी कि मुस्कुराते हुए सहस्मितम का होता है सहस्मितम सहस्मितम का हो गया मुस्कुराते हुए सहस्मितम क्या हो गया मुस्कुराते हुए कौन बोल रहा है बालक बालक कैसे बोल रहा है मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए अहो अरे अहो अरे बलिय डर गया हूं खलु निश्चय ही पितृअश्विनी निश्चय ही मैं इस से डर गया हूं निश्चय ही मैं वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूं बलिय मतलब बहुत अधिक डर गया हूं बालक बालक कहता है सहस्मिता यानी मुस्कुराते हुए अहो अरे बलिय अत्यधिक भीतु अस्मि डर गया हूँ अर्थात मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया हूँ इत्यधरम दर्शयति ऐसा कह करके वो अपने नीचे वाले होठों को दिखाता है ऐसा कह करके वो क्या करता है नीचे वाले जो होठ हैं उनको दिखाता है प्रथमा पहली तपस्विनी वत्स
पुत्र एनम बाल मृगेंद्रम मुंचा मुंचे अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। पुत्र इस शेर के बच्चे को, अच्छा शेर का जो शावक है बाल मृगेंद्र पर शेर का शावक तथा शेर के बच्चे को मुंच मतलब छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि तुम्हारे लिए मैं दूसरा खिलौना दूंगी। अपरम मतलब दूसरा, ते मैं तुम्हारे लिए क्रीडनकम खिलौना, तुम्हारे लिए मैं दूसरा खिलौना दूंगी। बालह बालक पुत्र कहा दिलिये तत् तो दो इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर वो हाथों को फैला देता है। तो ये हमारा जो पहला अंश है ये यहाँ पर समाप्त होता है। इस पहले अंश का जो पिछला जो अंश था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके आगे का ये जो अंश है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार वापिस इसका हिंदी अर्थ हम कर लेते हैं, उसके बाद में जो सेकंड अंश जो शुरू हो रहा है उसका हिंदी अर्थ हम करते हैं। वापिस से देखने पर ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टम कर्म तपस्विनी भ्याम सह बालक, जिस प्रकार पहले वाले अंश में बताया गया था कि वह बालक उस शेर के बच्चे को शेरनी से छीन कर ले आता है, तो जो तपस्विनिया है वो तपस्विनी उस बालक को लेकर आती है और प्रवेश करती है। जैसा ऊपर बताया गया था तपस्वियों के सामने बालक का प्रवेश होता है। बालक बालक जम्रस्व सिंह दंतास्ते गणिशे, अरे सिंह मुख खोलो तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा पहली तपस्विनी अपिनिसु विनय दीन किम, किस प्रकार से न अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानि प्रभरोसी, किस प्रकार से हमारी संतान के समान इनको तुम प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत खेद है वर्धते बढ़ रहा है ते मतलब तुम्हारा सर्वव्य सर्व दुख, तुम्हारा जो क्रोध है वो बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम धेयो असि, इस स्थान पर निश्चय ही ऋषियों के द्वारा सर्वदमन यह नाम बहुत ही उचित रूप से रखा है। सर्वदमन अर्थात सर्व का दमन करने वाला, तो यह नाम तुम्हारा उचित ही रखा है। विद्या दूसरी तपस्विनी कहती है ऐसा खलु केसरिणी त्वां लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकं न मुञ्चामि, यह शेरनी निश्चय ही तुम्हारे पर आक्रमण करेगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ा, यदि तुमने उसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो यह शेरनी निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। बालह बालक कहता है सैस्मितम मुस्कुराते हुए अहो बलियः खलु भीतु अस्मि, अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ, भीतु अस्मि डर गया हूँ। वित्तीय धर्म दर्शयति, ऐसा कह करके वह अपने नीचे वाले होठों को दिखाता है। प्रथमा पहली तपस्वी कहती है वत्स पुत्र एनम बाल मृगेंद्र मुंच, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, तुम्हारे लिए मैं दूसरा खिलौना दूंगी। बालह बालक कहता है पुत्र कहाँ है देइये तत् दीजिए, इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर वो हाथ को फैलाता है। इसके बाद जो दूसरा जो भाग है उसको होता है विद्या दूसरी स्त्री दूसरी तपस्विनी कहती है सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम, हे सुव्रता यह वाणी मात्र से रुक नहीं सकता है, वह मतलब नहीं शक्य मतलब सकता है, इसे मतलब यह वाचा मात्र वाणी मात्र से विरमयितुम रोकने में, अर्थात हे सुव्रता यह वाणी मात्र से रुक नहीं सकता है। गच्छ त्वं मदीय उपजे, उपजे का टोटा है कुटिया, उपजे उपजे का टोटा है कुटिया। गच्छ त्वं मदीय उपजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरस्थिति, गच्छ जाओ त
तब कम तुम मदीय मेरी कुटजे कुटिया में जाओ तुम मेरी कुटिया में मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रतो मृत्तिका मयूरे तिष्ठति। अर्थात मार्कंडेय ऋषि कुमार का जो पुत्र है उसका रंग बिरंगा वर्णों से बना हुआ मृत्तिका मिट्टी का मयूरे तिष्ठति मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तमस्यो उपहरम तुम उसको लेकर आओ। तमस्य उपहरम तमस्य प्लस उपहरम तमस्य प्लस उपहरम ए प्लस उ बराबर ओ तमस्योपरम गुण संधि कौन संधि इसमें गुण संधि तमस्योपरम तुम जाकर लेकर आओ। प्रथमा पहली तपस्विनी तथा इस प्रकार से मिट्टी निष्प्रांतर ऐसा कहकर वो निकल जाती है। बालह बालक अनेनेव तावत प्रेरयिष्यामि अनेनेव अनेन प्लस एव अनेन प्लस एव ए प्लस ए बराबर आई वृद्धि संधि कौन सी संधि इसमें वृद्धि संधि है। अनेनेव तावत प्रेरयिष्यामि तब तक जैसे कि अभी जब तुमको पढ़ाए थे तावत में तावत का मतलब तब तक प्रेरयिष्यामि ऋण धातु है ऋण लकार है प्रथम पुरुष है उत्तम पुरुष का एकवचन तब तक प्रेरयिष्यामि तब तक मैं इसी से ही खेलूंगा। इतिम तापसीम विलोक्य हसति ऐसा कहकर के तपस्विनी की ओर देख करके वह हंसता है। ऐसा कहकर के क्या कहकर के कि तब तक मैं इसी से खेलूंगा ऐसा कहकर के तपस्विनी की ओर देख करके हंसता है। तापसी भवतु न मामय गणयति माम अय यह मुझे तू नहीं गिनता है अर्थात यह मेरी बात नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोक्य पास में ही देखती है पार्श्वम अवलोक्य पास में ही देखती है को अत्र ऋषि कुमाराणाम यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजानाम अवलोक्य राजा की ओर देख करके भद्रमुख यही तावत भले मानुष इधर आओ मोच यानेन डिंब लीलया वद्यमान बाल मृगेन्द्रम भले मानुष यही तावत इधर आओ मोच यानी मोच यान का मतलब छुड़ाना डिंब लीलाया मैंने कि इस बालक के खेलने की जो लीला है जो भारत खेल रहा है इस लीला को रोककर इस बाल मृगेन्द्र अर्थात शेर के बच्चे को छुड़ाओ यानी कि पहली वह तपस्वी है वो कह यह मुझे नहीं गिन रहा है अर्थात यह मेरी बात नहीं मानता है। गणयति पार्श्व अवलोक्य पास में ही अवलोकन करके को अत्र यहाँ कोई ऋषि कुमाराणा यहाँ कोई ऋषि कुमार में से है। राजा ने अवलोक्यम राजा की ओर देख करके भद्रमुखम भले मनुष्य एही तावत इधर आओ तब तक मोच याने डिंब लीलया इस बालक की जो डिंब लीला है अर्थात खेलने संबंधी जो लीला है उस लीला को छुड़ाओ। खेल खेल में जो पीड़ित किया हुआ जो बाल शेर है उसको इससे छुड़ाओ। राजा उपगम्य समीप आकर के सहस्मितम मुस्कुराते हुए आई ओ महर्षि पुत्र अरे ओ महर्षि पुत्र अरे ओ ऋषि पुत्र। तो इस प्रकार से यहाँ तक का जो हमारा दूसरा अंश था ये आधा जो अंश है दूसरा इसको हमने करा दिया है इसका इंतजार कर दिया है। इसके आगे का जो भाग होगा वो हम अपनी जो क्लास होगी उसमें कराएंगे।
अगली क्लास होगी इसमें हम इसका बाकी का जो अंश होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार वापस इस पूरे को हम पढ़ लेते हैं। पहले भाग का बचा हुआ अंश, प्रवेश करके ऊपर बताए हुए कार्य के अनुसार तपस्वियों के साथ में बालक का प्रवेश होता है। बालक 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 जम्बस में सिंह दंता से घनी शय, अरे सिंह मुख खोलो तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा अर्थात पहली तपस्विनी, ऐ विनित विनयहीन किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि, किस प्रकार से हमारी संतान के समान इन प्राणी मात्र को तुम सता रहे हो। अंतः खेद है वर्धते ते सरंभ, तुम्हारा जो क्रोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेना सरदमन इति कृतनामधेयो असि, इस स्थान पर निश्चय ही ऋषियों के द्वारा सरदमन यह चित नाम सही रखा है। द्वितीया दूसरी तपस्विनी, एषा खलु केसरिणी मां लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकं न मुञ्चामि, यह शेरणी निश्चय ही तुम्हारे पर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो। बालक 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 सहस्मितं पुष्टाते हुए अहो अरे बलिया खलु वित्वस्मि, अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ, ऐसा कहकर के वे अपने नीचे वाले घोड़ों को दबाता है दिखाता है। प्रथमा पहली तपस्विनी, वत्स एनम बाल नृपेंद्र मुंच, पुत्र इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अक्रम ते क्रीडनकम दास्यामि, तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना दूंगी। बालह बालक पुत्र कहा देखिएगा यह दो, इति हस्तं प्रसारयति, ऐसा कहकर वह हाथ को फैलाता है। द्वितीया दूसरा भाग, दूसरे भाग में दूसरी जो तपस्विनी है कहती है, सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण वीरमणितुम, हे सुव्रता यह वाणी मात्र से रुक नहीं सकता है। गच्छ त्वं मदीय कुर्चे, तुम मेरी कुटिया में जाओ, मार्कण्डेयस्य ऋषि कुमारस्य वनचित्रतो मृत्तिका मयूर चिचति, मेरी कुटिया में मार्कण्डेय का जो ऋषि पुत्र है उसका रंग बिरंगा मिट्टी का मयूर रखा है, तमस्य उपहर उसको लेकर आओ। प्रथमा उसी प्रकार से इति स्मरान्तम, वैसा ही हो, ऐसा कहकर वो निकल जाती है। बालह बालक अनेनेव तावत् क्रीडयिष्यामि, तब तक मैं इसके साथ ही खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य अस्ति, ऐसा तपस्विनी की ओर देख करके हंसता है। तपस्वी तापसी भवतु ने मामे गणयति, तपस्विनी मन में ही कहती कि यह मुझे नहीं मिलेगा, गिनता है अर्थात यह मेरी बात नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देखती है, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है, ऋषि कुमारों में से है, अर्थात यहाँ पे कोई ऋषि कुमारों में से कोई है। राजानम अवलोक्य, राजा की ओर देखते हुए वज्रमुखम, भले मनुष्य एही तावत इधर आओ, तब तक तो इधर आओ। मोचियान मोचियाने न डिग दे दिया बातें माना बाल भेदम, इस बालक की खेल खेल में पीड़ित किए जाने वाले शेर के शावक को तुम छुड़ा दो। इस बालक के खेल खेल में पीड़ित किए हुए शेर के बच्चे को तुम छुड़ा दो। राजा उपगम्य समीप आकर के सहस्मितम अयि भो महर्षि पुत्रम, सहस्मितम यानी मुस्कुराते हुए
आई ओ महर्षि पुत्र अरे ओ महर्षि पुत्र अरे ओ ऋषि पुत्र। इस प्रकार से ये जो हमारा अंश था ये समाप्त होता है। अगला जो अंश होगा इसके आगे का सेकंड जो दृश्य है इसके आगे का अंश आगे का भाग हम अगली जो क्लास होगी उस क्लास में इसके आगे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस नाटक से संबंधित इस नाटक कथा से संबंधित और जिस कथा या जिस पुस्तक से यह दिया गया है उससे संबंधित किसी भी बात को आपको समझना है या पूछना है या इससे संबंधित कोई अर्थ आपको समझना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें जितने भी संधि शब्द व्याकरण के पद प्रत्यय धातु जो भी आए हैं आप उनका अध्ययन करें और इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप बिना किसी कारण से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और नाटक के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं और किसी प्रकार के कोई वाक्य संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।